अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई एम योर न्यू क्लास टीचर 4B मिस उज़्मा असद एंड आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट। दिस इज़ योर न्यू साइंस बुक मॉडर्न बेसिक साइंस 4 गाबा पब्लिशर। स्टूडेंट द चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड पेज नंबर 1 टॉपिक इज मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग। व्हाट इज मैन मेड थिंग? मैन मेड थिंग्स दोज थिंग्स आर मैन मेड things, for example cycle, car, buses, buildings, road and bridges. These things are non-living things. Some other thing like animal, plants, rock, cloud, the sun, the moon and the stars are natural thing. Natural things दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं वो चीज़ें जो कि इंसान बनाता है उसे मैनमेड थिंग कहते हैं, जो कि नॉन लिविंग होती हैं, और दूसरी चीज़ जो नेचर बनाता है वो उसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों होती हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ट्रीज़ हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं और इंसेक्ट वगैरह। लेकिन नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं, जैसे कि स्टोन है, माउंटेन है और सन मून, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, इसको नेचर बनाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स। फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, नंबर 1 मूवमेंट। लिविंग थिंग कैन मूव देयर बॉडीज ऑन देयर ओन। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डिफरेंट वेज इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। सबसे पहले लिविंग थिंग की जो फीचर है उसमें मूवमेंट है। जो भी लिविंग थिंग्स है वो मूव करता है, किस लिए? खाने की तलाश के लिए और अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए और अपने लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली थिंग्स ग्रोथ। ग्रोथ ये है कि कोई भी प्लांट जो होता है वो अगर लाइव है, लिविंग थिंग है, तो वो ग्रोथ करता है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं तो वो छोटा प्लांट होता है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से आप डील करें, उसके अंदर उसको वाटर दें, सनलाइट प्रोवाइड करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक बिग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज पॉइंट ऑफ लिविंग थिंग्स। थर्ड चीज फूड। कोई भी जिंदा चीजें जो होती हैं उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, तो वो उसको खाने की जरूरत लाजमी पड़ती है। इसके अलावा ब्रीथिंग। ह्यूमन बींग कैन नॉट लीव विदाउट ब्रीथिंग। दे नीड एयर टू ब्रीथ। When we breathe, we take in oxygen from air and give out carbon dioxide. We use our lungs to breathe. Human being जो होते हैं वो अपने lungs से, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं और oxygen gas inhale करते हैं और carbon dioxide exhale करते हैं। ये इनकी living thing होने के एक proof होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ animals हैं, मुख्तलिफ living thing हैं, वो सांस लेते हैं मुख्तलिफ तरीके से। Number 6 है reproduction. Human beings are living thing and they have birth to their babies. Reproduction जो होता है वो living thing में एक बहुत अहम उसका रोल होता है, क्योंकि reproduction का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी mango plant देखते हैं तो हमें वो जगह जगह mango plant नजर आते हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ों से grow होते हैं, जैसे plant जो है वो seed से grow होता है, तो उसकी वो reproduction हो रही होती है। जो living thing है वो इस तरह से reproduction कर रहे होते हैं कि अपने जैसा दूसरा ग्रो कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ये सब चीजें नहीं होती हैं। नॉन लिविंग थिंग में ना वो ग्रो करते हैं, ना वो मूव करते हैं और ना ही उनकी रिप्रोडक्शन होती है। अगर आप कोई टेबल देख लें, अगर वो टेबल रखी हुई है तो वो अगर 10 ईयर्स भी रखी है तो वो एक ही टेबल वैसे ही, उतनी ही उसके स्ट्रक्चर है वैसे ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सरसाइज सॉल्व द पजल ऑफ लिविंग थिंग एंड सॉल्व द पजल ऑफ नॉन लिविंग थिंग। यहाँ आपको कुछ पजल्स दिए गए हैं जिसमें लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है लॉइन, इसका आपको क्लू दिया है द किंग ऑफ एनिमल, के जंगल का बादशाह कौन होता है? लॉइन। तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है। पेज नंबर 11, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये इसमें ट्रू कौन सा है, फॉल कौन सा। फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, के नॉन लिविंग जो होते हैं वो अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट इज ट्रू। पेज नंबर
इसके अलावा आपकी एक्सरसाइजेस हैं, यहाँ पे क्या है कि आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि ग्रो बॉडी पार्ट्स, रिप्रोडक्शन, पोर्स और ह्यूमन बीइंग, आपको इसके अंदर सॉल्व करना है और ये आपको कॉपी में करना है। फिंदर ब्लैंक्स हैं और उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चंस आंसर हैं कि डिफाइन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, गिव टू एग्जाम्पल और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स, गिव फोर डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो आपको जो होमवर्क टास्क दिया गया है, होमवर्क असाइनमेंट दिया गया है, उसमें आपको ये सब बताना है। फिर नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 13, ये भी आपको बुक में ही आपको सॉल्व करना है। इसमें कैट के बारे में लिखा गया है, चेयर के बारे में, बर्ड के बारे में और बॉल के बारे में, तो बताना है कि ये सब चीज़ें क्या कर सकती हैं। तो नेचुरली जो लिविंग थिंग है तो मूव अराउंड, ब्रीथ थिंग्स, एयर, रिप्रोडक्शन, सर्च फॉर फूड एंड ईट फूड। तो जो लिविंग थिंग है वो ये सब कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग ये सब नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, अनदर चैप्टर क्लास 4, चैप्टर नंबर 2, पार्ट ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक पार्ट ऑफ प्लांट, पेज नंबर 14। द बॉडी ऑफ अ प्लांट डिपेंड रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ब्रांचेस एंड फ्रूट आर सम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पेज नंबर 14 में ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसको आप देखें। इसमें आपको हर चीज़ मेंशन किया गया है, रूट है, स्टेम, लीफ, फ्रूट, बर्ड एंड फ्लावर्स। इस डायग्राम को आप लोग इंटरलीफ पेज पे नीट एंड क्लीन एंड कलरफुल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज नंबर 15, रूट एंड शूट सिस्टम। रूट एंड शूट सिस्टम बेसिकली पार्ट ऑफ द प्लांट आर डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, नंबर 1 रूट सिस्टम एंड नंबर 2 शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड शूट सिस्टम ग्रो अबव द ग्राउंड। ठीक है, इस बात को आपको ये डायग्राम से आपको समझने में आसानी होगा कि दो तरह के सिस्टम है, एक है रूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के नीचे होता है और दूसरा शूट सिस्टम जो कि ग्राउंड से ऊपर होता है। ये दो सिस्टम बेसिकली होते हैं। थर्ड टॉपिक पेज नंबर 15, फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट, नंबर 1 रूट। डिफरेंट टाइप ऑफ रूट मेक अप द अंडरग्राउंड रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। टाइप ऑफ रूट, रूट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू टाइप, नंबर 1 फाइबरस रूट, नंबर 2 टैप रूट। दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं, एक है फाइबरस रूट और नंबर 2 जो है वो टैप रूट कहलाता है। पेज नंबर 16, फाइबरस रूट। फाइबरस रूट क्या होता है? व्हेन अ नंबर ऑफ रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। ये आपको स्टेम नजर आ रहा है, इसके एंड से जो रूट ग्रो होता है दैट इज कॉल्ड फाइबरस रूट। ठीक है, दूसरा रूट है जिसको हम टैप रूट कहते हैं, व्हेन स्मॉल ब्रांचेस रूट ग्रो फ्रॉम द साइड ऑफ द मेन रूट, यानी कि जो मेन रूट है इसके साइड में से जो रूट्स निकल रही होती हैं दैट इज कॉल्ड टैप रूट। तो दो तरह के हो गए, एक फाइबरस रूट और दूसरा है टैप रूट। थर्ड टॉपिक है पेज नंबर 17, स्टेम। द स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड। तमाम स्टेम जो होते हैं वो जमीन से ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि अबव द ग्राउंड होते हैं। इसमें आपको ये स्टेम दिखाया गया है। प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम। प्लांट में मुख्तलिफ किस्म के स्टेम होते हैं। सम प्लांट्स सच आर नीम ट्री हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम। यह आपके पास नीम ट्री है जिसका जो स्टेम है वो हार्ड है और वुडी लाइक है। ठीक है, सेकेंडली जो प्लांट है वो आपके पास बनाना ट्री है, इसका जो स्टेम होता है वो और ये मनी प्लांट है, इसका जो स्टेम होता है ये सॉफ्ट और ग्रीन होता है। तो दो तरह के आपने स्टेम्स देखे। पेज नंबर 18, नेक्स्ट टॉपिक इज लीव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज द लीव। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन कलर लीव्स, द ग्रीन फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ लीव इज कॉल्ड द लीव ब्लेड। ये आपको प्लांट लीफ का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें तमाम इसकी चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पे जो बीच में जो ये आपको नज़र आ रहा है ये मिड वेन कहलाता है और साइड में जो है वो लीफ ब्लेड्स कहलाते हैं। जो प्लांट होता है वो उसमें लीफ का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत अहम होता है, इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि किचन ऑफ द प्लांट क्यों कहा जाता है,
कि वाई इज़ द लीफ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. पेज नंबर 19, इसमें इसलिए कि आप प्लांट लाइक ऑल ओवर लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. किसी भी लिविंग थिंग को, यू नो दैट प्लांट जो है वो लिविंग थिंग है, तो हर लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है. अ ग्रीन लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट, तो जो ग्रीन लीफ है वो प्लांट में फूड तैयार करता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is the process in which a plant manufactures its food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis का process क्या है? ये एक ऐसा process है जिसमें plant अपना food तैयार करता है carbon dioxide और water से, सूरज की रोशनी, sunlight and chlorophyll की मौजूदगी में. अब आप ये कहेंगे कि what is chlorophyll? क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन सब्सटेंस है जो कि सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है, जो कि उसके फूड मेकिंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होती है. ये देखिए, ये आपका एक नेक्स्ट डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का. इसमें ये जो ग्रीन लीफ है ये सनलाइट की से एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे प्लांट में फूड मेकिंग का प्रोसेस ईजली अमल में आता है. नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 20, फ्लावर. फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट. आपको पता है कि फ्लावर्स बहुत खूबसूरत कलर्स के होते हैं और ये हर एक को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट, सेपल, पेटल, स्टैमन एंड पिस्टल. ये चार इसको फ्लावर्स को के पार्ट को हम डिवाइड कर देते हैं. ये इस कदर ब्यूटीफुल्स होते हैं कि जो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. दे आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट. और इंसेक्ट क्या करते हैं कि एक फ्लावर्स के पोलन लेके दूसरे फ्लावर्स के पास जाते हैं और इस तरह पॉलिनेशन का प्रोसेस अमल में आता है. फ्रूट एंड सीड, नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 20, फ्रूट एंड सीड. फ्रूट हैव सीड इनसाइड देम. यहाँ पे आप ये सब जानते हैं कि हर फ्रूट के इनसाइड में सीड मौजूद होता है. मैनी फ्रूट हैव वन सीड, सम हैव फ्यू सीड्स, वाइल अदर हैव मैनी सीड्स. ठीक है, जैसे मैंगो, मैंगो जो फ्रूट है उसमें ओनली वन सीड, ऑरेंज में आपको फ्यू सीड नज़र आएंगे, पपाया में आपको बहुत सारे सीड नज़र आएंगे एंड बनाना जो आपका फ्रूट है उसमें आपको कोई भी सीड नज़र नहीं आता. पेज नंबर 21, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड. न्यू प्लांट आर मोस्टली ग्रोन फ्रॉम सीड. द मदर प्लांट कीप अ बेबी प्लांट ऑन इट्स फूड इनसाइड द सीड. व्हेन द सीड गेट इनफ एयर, वाटर एंड वार्म, द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग. तो ये चीज़ है कि प्लांट के अंदर जो प्लांट जो ग्रो करता है वो एक सीड के थ्रू कर रहा होता है. जब सीड को इनफ वाटर, एयर और वार्म मिलेगा, और वार्म किससे मिलेगा, सनलाइट से, तो वो जो बेबी प्लांट है वो सीड के अंदर बेहतर ग्रो करेगा और उसके बाद वो एक बिग ट्री के फॉर्म में आ जाएगा. पेज नंबर 23 में हमारे एक्सरसाइजेस हैं. सबसे पहले हमारा ट्रू एंड फॉल है, उसके बाद टिक द आपको सुटेबल आंसर, आपको तीन गिवन दिए गए हैं. द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड डैश सिस्टम. आपको अभी मैंने समझाया कि प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्राउंड से ऊपर होता है वो क्या कहलाता है. इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, रूट, शूट एंड सिस्टम. तो वो क्या है, जो कि ग्राउंड से ऊपर डेवलप हो रहा होता है, अबव डेवलप हो रहा होता है, दैट इज शूट सिस्टम. तो ये आपके ऑप्शन आ गए. इसके बाद देखिए, ये एक डायग्राम्स दी गई है पेज नंबर 24 में. इसमें तीनों डायग्राम अलग अलग तरीके से लेबल हुई हैं. एक जो है बिल्कुल सही लेबल हुई है, आपको बुक में ही इसको सॉल्व करना है. फिर इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं. नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. आपको जो सवाल दिया गया है होमवर्क में उसमें नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट ही दिया गया है. आप इसको, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया है, आप उसको कीजिएगा और कॉपी में सॉल्व कीजिएगा. थैंक यू.